हाय सविता, वेलकम टू नाइट स्पोर्ट्स। सविता, कॉन्ग्रेचुलेशन। सबसे पहले आप अंडर 20 वर्ल्ड चैंपियन बनी एंड आप अंडर 17 भी चैंपियन रह चुकी हैं, तो किस तरह देखते हैं ये ईयर की बैक टू बैक आपका आया है मेडल, वो भी वर्ल्ड लेवल में, तो किस तरह देखते हैं आप? सर, बहुत अच्छा लग रहा है क्योंकि पहले अंडर 17 एशियन चैम्पियनशिप में गोल्ड आया सर, फिर अंडर 20 की एशियन चैम्पियनशिप में सर, फिर मैंने थोड़ी और प्रैक्टिस करके सर अंडर 17 में वर्ल्ड चैम्पियनशिप में गोल्ड लिया सर, फिर उसको देखते देखते थोड़ी टेक्निक में कमी थी तो वो पूरी की है सर, तब अंडर 20 में सर अब गोल्ड लिया। तो अभी जो 62 kg कैटेगरी है वो काफ़ी टफ माना जाता है, ओलंपिक वेट कैटेगरी भी है, तो किस तरह देखती हैं कि अपोनेंट काफ़ी टफ होते हैं, तो 62 के वेट कैटेगरी किस तरह देखती हैं आप ऑलरेडी जब आप सब आउट करती हैं? तो सर टफ तो होती है, बट हमारे सेंटर पे सीनियर बच्चे भी हैं, जो सीनियर लड़के हैं जो 62 kg में ओलंपिक के साथ, मतलब जैसे सोनम मलिक है सर, उनके साथ भी फाइट होती है, उनकी अच्छी होती है, तो हमें उनके साथ भी प्रैक्टिस करने को मिलता है, तो सर हमारे लिए थोड़ा इतना टफ नहीं होता कि हमें उनसे अनुभव हो जाता है कि हमारी पार्टनर कितना टफ हो। तो स्पेयरिंग आप सोनम के साथ ही करती हैं? नहीं, उसकी मतलब उनके साथ फाइट होती है मनीषा दीदी की, तो हम उनके साथ करते हैं, वो हमारे सेंटर पर करते हैं। एंड अपनी जर्नी के बारे में बताइए सविता, कैसे आप रेसलिंग में आए, कब से आप रेसलिंग कर रहे हैं, थोड़ा बताइए इसके बारे में। सर मेरे दादाजी रेसलर थे, मतलब ये छुट्टी भी लड़ा करते हिंदी भाषा में, हरियाणवी भाषा में छुट्टी बोलते हैं सर, पहली पे छुट्टी मतलब क्या होता है, पहली कुश्ती जैसे दंगल होते हैं ना सर, हाँ जी हाँ जी, उसमें जो छुट्टी बोलता है पहली कुश्ती पे ओके 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 वो लड़ा करते सर, तो फिर मेरे पापा ने भी कर रखी है सर, पापा तो इतने बोले थे बट पहलवानी कर रखी है सर, तो इसलिए उनको देखते हैं मैंने स्टार्ट किया। तो कितने साल से आप कर रहे हैं, अभी कितना टाइम हो गया रेसलिंग करते हुए? 6 साल हो गए सर प्रैक्टिस करते हैं। तो कुछ मतलब कुछ स्ट्रगल आया उस टाइम पे कि यार रेसलिंग करना है, मतलब ऐसा कुछ आया था स्ट्रगल कुछ टाइम पीरियड? स्ट्रगल तो इतना कुछ नहीं आया, मतलब मेरी फैमिली पहले से सभी की रेसलिंग है तो सर हम इसलिए रेसलिंग करते हैं। तो कितना एक होता ना कि एडवांटेज मिलता है दादाजी आपके रेसलर से, पापा भी हैं तो दादाजी कभी घर जाते ना तो कहीं गलती हो जाती है तो बताते हैं मुझे, ये बेटा वहाँ से ये करना था तुझे, तो बहुत अच्छा लगता है सर, हम मतलब सारे परिवार बैठ के बातें करते हैं हमारी कुश्ती के बारे में, तो सर तो अभी अपने मेडल के बारे में बताया तो क्या बोला दादाजी ने, पापा क्या बोला आपको? दादाजी तो सर बहुत खुश हो रहे थे, मतलब कि खुशी हमारे काम नहीं थोड़े ज़्यादा ही है ना, तो इसलिए पापा भी बहुत खुश है सर, मम्मी तो रोने लग जाते हैं। एंड अब आप क्या सोच रही हैं आगे, क्योंकि अभी जब दो बैक टू बैक वर्ल्ड चैंपियनशिप ने, मतलब एक अंडर 17 एक अंडर 20 अपने जीत लिया, तो अब क्या टारगेट्स आप लेके चल रही हैं अपने साथ? सर नेक्स्ट ईयर सीनियर की वर्ल्ड चैंपियनशिप जी, वहाँ से मेडल लेके आना है। एंड जब हम बात करते हैं जैसे कि आप अभी यहाँ पे हम 3 गोल्ड मेडल जीते, ब्रॉन्ज जीते, सिल्वर एक जीता अंतिम कुंडो ने, तो इतना अच्छा परफॉर्मेंस देते हैं तो कितना मोटिवेशन मिलता है रेसलर्स को, आप जैसे रेसलर्स को जो बडिंग रेसलर्स होते हैं आने वाले? सर बहुत ज़्यादा मोटिवेशन मिलता है, मतलब कि हमारी फाइट से पहले अगर कोई हमारी टीम का बेल्ट या गोल्ड मेडल जीतता है तो सर हमें भी बहुत कॉन्फिडेंस होता है कि बहुत कॉन्फिडेंस के साथ फाइट लड़ी जाती है कि हमारी बेल्ट आई, हमारी शुरुआत बहुत अच्छी हुई है तो हमें भी अपनी शुरुआत ऐसे ही रखनी है। एक आखिर सवाल, तो और जैसे हम देखते हैं कि जैसे दादा आपने कहा दादाजी पापा आपके फादर भी रेसलर चुके, उसके अलावा कोई और रेसलर जिसको आप देख के आप बड़े हुए उनके ऐसा बनना है जैसा, ऐसा कोई रेसलर? अच्छा आपके दादाजी एंड फादर क्या बोलते हैं, क्या नेशनल लेवल रेसलर हैं, क्या इंडिया रिप्रेजेंट कर चुके हैं? नहीं सर, वो दादाजी दंगल कहाँ पे? जो ये हमारे नहीं कहाँ पे कहाँ पे? चलिए, थैंक यू सो मच सविता, ऑल द बेस्ट।